हीरो ड्यूट 110 सीसी एचओ BS4 स्कूटर के बारे में जानने के लिए आप मेरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस स्कूटर के अंदर जो नए फीचर्स आए हैं उनको बताने वाला हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइक वन मिंटू और राहुल के साथ, तो आइए देखते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे बाइक और स्कूटर से संबंधित लगभग बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो ये है आपका हीरो ड्यूट स्कूटर। आप इस स्कूटर के मॉडल को देखें तो ये देखने में ठीक ठाक लगता है, और यहाँ से आप इस स्कूटर के पूरे मॉडल को देख लें, इससे आपको देखने में ये पता चल जाएगा कि ये कैसा है। और इस स्कूटर में या किसी भी स्कूटर में आप बाहर से पहचान नहीं कर सकते कि ये BS4 है या नहीं है, सिर्फ यही जान सकते हैं कि ये HO सिस्टम है, क्योंकि मैंने बाइक में बताया है कि कैनिस्टर लगा रहता है, लेकिन इसके अंदर खोलना पड़ता है। तो इसके अंदर मैं अभी आपको खोल के नहीं दिखाऊँगा, सिर्फ आप ये जान लें कि ये BS4 है, ऐसा कंपनी कह रही है। और इसके अंदर आपका 110.90 सीसी का इंजन लगाया गया है। इसकी पावर है 8.31 BHP, 8000 RPM पर। इसकी टॉर्क है 8.30 न्यूटन मीटर 6500 RPM पर। इसका बोर है 50 mm और इसका स्ट्रोक है 56 mm। और इस स्कूटर के अंदर पीछे के आप इसी समय ड्रम देख लें, ये इसके अंदर 130 mm का ड्रम ब्रेक लगाया गया है। और इस स्कूटर की सीट हाइट है 770 mm। और आप इसमें देखें कि इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं। इसके अंदर मीटर में आप देखेंगे तो ये आपको एनालॉग मीटर मिल जाता है, यहाँ पर आपको साइड स्टैंड की मिल जाती है, और यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें आपको मिलता है ट्रिप मीटर, यहाँ पर ऑडियो मीटर, और यहाँ पर आपको सर्विस का इंडिकेटर मिल जाता है, और यहाँ से आपको रीसेट करने की बटन मिल जाती है। और यहाँ से आप देखेंगे तो इसके अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ करने की कोई स्विच नहीं है, क्योंकि ये HO सिस्टम है, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन वाला सिस्टम है। और यहाँ से आपको हेडलाइट और आपको हाई बीम और लो बीम करनी होगी, और यहीं से आपको इसमें पास करने की सुविधा भी मिलती है। और यहाँ पर आपको इसमें चोक दिया हुआ है, और जब आप इसके सीट को खोल के देखेंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पर लाइट मिल जाती है। अगर आप रात में खोलते हैं तो इसके अंदर ये लाइट जलती रहेगी, जिससे आपको सामान निकालने और रखने में सुविधा होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको मिलता है ये पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल चार्ज होने लगेगा। मैं इसको स्विच, जब आप इसकी स्विच ऑन करेंगे तभी इसके अंदर ये जले, ये चार्ज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार्ज हो रहा है। तो इसके अंदर ये सारी सुविधाएं, क्योंकि कुछ स्कूटरों में नहीं मिलती है, तो मेरे हिसाब से ये सुविधा ठीक ठाक है। और यहाँ से आप इसके लॉक को देखेंगे तो इसके अंदर आपको सारे निर्देश दिए हुए हैं, और आप इसको पुश करके दाहिनी तरफ को खोलेंगे तो आपका पेट्रोल टैंक खुल जाएगा, और बाईं तरफ को करेंगे तो आपकी सीट खुल जाएगी, फिर उसी हिसाब से ऑन और ऑफ होगा। और लेकिन इसके अंदर जो एक दूसरे स्कूटरों में आता है कि लॉक कर देते हैं तो चाबी नहीं लगती, वो सुविधा नहीं दी है, ये मेरे हिसाब से माइनस पॉइंट है। और यहाँ पे आपको देखें, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगा हुआ है, इसके अंदर इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग लगी हुई है, जो काम्बी ब्रेक होंडा में बोलते हैं वो लगी है, जिससे आपको सुविधा मिलती है ब्रेकिंग की, अच्छी ब्रेकिंग मिलेगी आपको, बैलेंस भी इस स्कूटर का अच्छा मिल जाएगा, जिससे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरे हिसाब से इस स्कूटर में अभी तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आई है कि इस स्कूटर के अंदर जो पिछला ढक्कन खोलने में ये हल्की सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो सर्विस में दूर कर लिया जाएगा। तो अगर आपको ये स्कूटर पसंद आए तो आपको ख़रीदना चाहिए, अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको ना ख़रीदें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।